अभी की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि रांची सांसद संजय सेठ, चतरा सांसद सुनील सिंह, बोकारो विधायक विरंची नारायण, राज्यसभा सांसद समीर उराव, गुर्दा विधायक अमित मंडल सहित आरती कुजूर, अमित सिंह, कुलवंत सिंह, बंटी गुंजन यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश यादव को हिरासत में लिया गया है। भाजपा का सचिवालय घेराव कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रोजेक्ट भवन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। अभी चलने की शुरुआत ही हुई है और प्रशासन की तरफ से वाटर कैनन शुरू कर दिया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगातार पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन अभी कार्यकर्ता डटे हुए हैं। वह इस प्रयास में है कि बैरिकेडिंग को तोड़कर वह प्रोजेक्ट भवन की ओर आगे बढ़कर ही रहे। प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, लाठी से पीटा भी जा रहा है, कई कार्यकर्ताओं को चोट लगी है। फिलहाल भाजपा कार्यकर्ता और जिला प्रशासन आमने सामने है। एक तरफ जहां प्रशासन पूरी मुस्तैदी से भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास कर रही है, तो वहीं हजारों लाखों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता भी बैरिकेडिंग तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कार्यकर्ता पूरे जोश में दिख रहे हैं। वह कह रहे हैं कि चाहे प्रशासन कुछ भी कर ले, वह किसी से डरने वाले नहीं है। हेमंत सरकार से राज्य की जनता त्रस्त हो गई है, इस कारण वह अब चुप नहीं बैठेंगे। बता दें कि 1500 की संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है, ड्रोन से विशेष निगरानी की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन जिस प्रकार हेमंत सोरेन के इशारे पर आज पुलिस द्वारा लाठी चार्ज, गोली, आंसू गैस, एक निहत्थे और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा किया गया, इसकी जितनी भी निंदा किया जाए कम है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। यदि हेमंत सोरेन जी ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने भ्रष्टाचार को, लूटपाट को, चोरी, छिनतई, डकैती और इस राज्य में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, युवाओं के साथ धोखाधड़ी हो रहा है, किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हो रहा है, अगर उसको ये आंसू गैस और लाठी के दम पर दबाना चाहेगी तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क में भी आंदोलन करेगी और सदन में भी आंदोलन करेगी और जितना गोली चलाना है चला ले। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस गोली को सीने पर लेने के लिए तैयार है। आप वीडियो फुटेज उठाकर देख लीजिए, पहला पत्थर और पहला आंसू गैस पुलिस के तरफ से चलाया गया। यदि कोई बचाव में अगर अपना कोई किया होगा तो वो उसके लिए न्यायिक बात है। और भारतीय जनता पार्टी अभी भी लोकतांत्रिक तरीके से धरना पर बैठे हैं, नहीं तो हम लोग 1 लाख की संख्या में हम लोग चाहे तो ये 10-15 हजार पुलिस को ऐसा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।